और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रांची में बने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस वक्त मैं उस तरफ जा रहा हूं जहां पर बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था। देखेंगे आप जब बिल्कुल सर बैरक नंबर 9 इसका सेल का नंबर था, बैरक नंबर 9। और यकीनी तौर पर जब आप इस सेल में जाएंगे तो आपको अंदर शरीर में सिहरन सी होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों तक जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में जो कुछ लिखा गया था वहां जा रहे हैं। और नीचे फिल्म भी चला, उसको मैं दिखाऊंगा और देखेंगे बिरसा मुंडा का वो कक्ष सेल नंबर 9 जहां पर बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था। अद्भुत तरीके से इस सेल का निर्माण हुआ है। तमाम हालांकि एक जगह पर अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि पानी दिस रहा है। करीब जो जानकारी मिली है कि 147 करोड़ की लागत से ये पूरा बिरसा मुंडा का जो जेल है उसका जीर्णोद्धार हुआ है। और उसके बाद आप अंदर आएंगे, अंदर आने के साथ ही आपको तमाम चीज़ें इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें थी उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। कहाँ क्या है, बुर्जू मिशनरी अपार्टमेंट यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, चाईवासा की तस्वीर है। मतलब यह कि आप इस संग्रहालय में आने के बाद आपको झारखंड के पूरी इतिहास की जानकारी हो जाएगी। नाथ मंदिर है और यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जेल से लौटने पर बिरसा मुंडा ने सुझाव दिया कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुंडा क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को उनके वैभवपूर्ण इतिहास का एहसास करवाना चाहिए। उनके विचार से यह उन लोगों के लिए जागृत करने के लिए होगा जिनकी मुक्ति के लिए वो संघर्ष करते हैं। और उधर बाईं तरफ पूरी तरह से इतिहास अपने आप में एक एक तस्वीर एक एक चीज़ें संजोए हुए है। तो ये बिरसा मुंडा जेल की तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और यहाँ से अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। ये बिल्कुल अद्भुत नज़ारा सबसे पहले न्यूज 11 के दर्शक इस दृश्य को देख पा रहे होंगे। आपने 15 लोग एक साथ बैठकर देख पाएंगे, यहाँ के इंजीनियर मौजूद हैं। मैं क्या कुछ बात कर सकता हूँ आपसे सर? सर ये कितने घंटे की फिल्म होगी और क्या पूरी व्यवस्था है सर? अपना परिचय दे देंगे पहले। मैं सुखजिंदर सिंह हूँ पैन एंड टेलीकॉम लिमिटेड से जी। और हमारा पूरी फिल्म जो है ये 3 जोन्स में डिवाइड है, तो ये 3rd जोन में अभी हम खड़े हैं। तो पहली जोन में जैसे 9 मिनट का शो है, फिर दूसरी में भी 9 मिनट का, यहाँ टोटल 13 समथिंग मिनट का शो है। तो उसी के हिसाब से ये पूरा उनका यहाँ पे पूरा विद्रोह का दिखाया है, उनका डेथ का दिखाया है, फिर यहाँ पे एक एनिमेट्रॉनिक है। इन दृश्यों को देखकर कल्पना सिद्ध किया जा सकता है कि बिरसा मुंडा ने कैसे जेल में वक्त गुजारे होंगे। ये सब कुछ सर ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं और कैसे ये हो रहा? ये पूरा एक एनिमेट्रॉनिक है जो पूरा मैकेनिकल पे काम कर रहा है। बिल्कुल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।